लाहौल स्पीति की चंद्रा नदी की बाईं ओर स्थित 25 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा शिगरी ग्लेशियर हमेशा से ही पर्यटकों और शोधकर्ताओं के आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसके तेजी से पिघलने और सिकुड़ने के चलते स्थानीय निवासी, वैज्ञानिक और पर्यटक काफी चिंतित हैं। शिगरी ग्लेशियर के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पिछले लगभग 30 वर्षों से ढाबा चला रहे व्यक्ति का कहना है कि कभी चंद्रा नदी को छूने वाला ये ग्लेशियर लगातार सिकुड़ता जा रहा है। घाटी में अन्य छोटे बड़े ग्लेशियरों की पिघलने की गति भी पिछले कुछ समय से बढ़ गई है। मैं यहाँ 37 साल से दुकान कर रहा हूँ, मगर यहाँ बिल्कुल ही अब ग्लेशियर बहुत ही नीचे बैठ गया जी, पहले बहुत ऊंचा था ये। स्थानीय लोगों का मानना है कि ग्लेशियर पर शोधकर्ताओं की भीड़ और पर्यटकों की अधिक आमद इस पर विपरीत असर डाल रही है, इनकी संख्या को कम किया जाना चाहिए। विश्व का तापमान बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे ये प्राकृतिक धरोहर, प्राकृतिक संपदा अपने आगोश में समता जा रहा है। ये एक बहुत चिंता का विषय है कि इस तरह के जो विश्व प्रसिद्ध ग्लेशियर जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और ये आने वाले समय के लिए जैसे मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जो पानी का संचालन ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और ये अतीत बन कर रह जाएंगे। बड़ा शिगरी ग्लेशियर 12,960 फुट से 14,900 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। ग्लेशियर के आसपास के अधिकांश पहाड़ साल में 6 माह से अधिक समय तक बर्फ से ढके रहते हैं। लाहौल स्पीति से डीडी न्यूज के लिए कुंदन लाल की रिपोर्ट।